We have Kapil Sharma also with us now. Kapil ji is coming in a different look. So let us officially announce that Kapil ji is here to support the marathon, the Green Initiative with the SBI, Radio Mirchi and Bhamla Foundation. Yeah. And we're very grateful that over the years this is becoming, people are becoming more conscious across the country. And like the Honorable Representative from the SBI mentioned that it comes under the CSR. And they've promoted such endeavors, and so is Bhamla Foundation connected with the Green Initiative. It's not just connected with the marathon. We're associated with the World Environment Day. We started that when people were not even aware about it, and by the grace of God, we've reached a benchmark. And I'm very grateful to all of them, right from my friend Mr. Ashish Shelarji, who's the leader and who's along with us here to support this initiative. The Honorable Chief Minister has endorsed this. The Ministry of Environment, Government of India, has supported this in a very big way. And they've officially endorsed this campaign as an eco-friendly campaign towards zero garbage, towards sustainability. So it's indeed a very major step towards that, and the enthusiasm that we see across all cities, it's fantastic. I mean, it's unimaginable, and I'm sure this will get bigger and larger in days and years to come. And our association with the Radio Mirchi, with the SBI, is going to be a fantastic combination in years to come. And that's it. Talk about the marathon. Yeah. Only stick to marathon. Just stick to anything to marathon. My marathon of films, yeah. So Kapil ji, then you come here. Aap yahan aa jaiye. Haan, come. Aapse utsukta hai logon ko sunne ko. Aap to Kapil ji haath aaye. One request, so aapko jaane na do. Aise marathon to Mr. Kapil. Hello. Sir, aap yahan aa jaiye. Main thoda bahar aaya. Ashish ji, come back, Kapil Sharma. कपिल जी क्या कहना चाहेंगे आज के न्यू इनिशिएटिव के बारे में और सेहत कितना आपके लिए जरूरी है और इस सीन में टोटली चेंज कितना जी क्या कहना चाहेंगे सेहत बहुत ज़रूरी है मुझसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं जान सकता सो सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई को बामला फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिकॉज इनकी वजह से हम लोग बहुत सारे अच्छे कामों के साथ जुड़े रहते हैं और इस बार जो इनिशिएटिव एसबीआई की तरफ से और बामला फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है ये रेडियो मिर्ची पार्टनर हैं और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम लोग रोज़मर्रा की दिनचर्या में छोटी छोटी चीज़ें जो इग्नोर कर जाते हैं लेकिन मुझे लगता है आज नहीं हमें आगे चल के रियलाइज़ होगा हमारी आने वाली जनरेशन्स को कि हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं सो बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट को बचाना और हम लोग हमेशा किसी ना किसी तरीके एनवायरनमेंट के लिए काम करते रहते हैं जैसे ग्रीन गणेशा कैंपेन किया था फिर उसके पहले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से 1 करोड़ पौधे लगाए गए थे 2-3 साल पहले सो हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ जहाँ हम लोग इस चीज़ को जो है और आगे ले जा सकें आप सब लोगों की मदद से और अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग भी इस कैंपेन में जो है सबका साथ दे रहे हैं सो बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कितना डिफिकल्ट या आसान रहा है अपनी सेहत को रिकवर करना और फिर से वही पावर और वही मोटिवेशन के साथ आना सर बहुत मतलब मुश्किल होता है क्योंकि जब आप एक बार हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हाँ अगर मैं ग्रीन मुंबई की बात करूँ एनवायरनमेंट की बात करूँ तो मैंने एक पिछले 4-5 साल से एक रूटीन बना रखी है कि हम कहीं भी जाते हैं जैसे मैं अभी मनाली गया था तो डलहौजी गया था तो मैं वहाँ पे एक पेड़ ज़रूर लगाता हूँ ताकि आने वाले कई सालों बाद वहाँ पे जाएं तो चलो कम से कम यही रहे कि यार हम लोग एक पेड़ लगा के गए थे कैसा है एक क्यूरियोसिटी रहती है और एक अच्छा काम भी है हम सब लोग प्रेरित भी करते हैं सबको और मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता रहता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस ग्रेट नॉवल कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार जी और हमारे जितने भी सारे दोस्त हैं सो थैंक यू ऑल सेट विद द शो कपिल टॉकिंग अबाउट द
वो भी करेंगे जरूर, वो भी बात करेंगे बाद में. पर्यावरण और मैराथन के संबंधित विषय पे बोलो. पर्यावरण अच्छा रहेगा तो शो भी आते रहेंगे, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो आफ्टर दिस वी विल हैव अ स्मॉल आई थिंक दैट सेज इट ऑल. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट एक्टर्स हु आर इन द प्रोफेशन एंड बिकम सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी फॉर देम. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यू नो टू स्टे फिट, to be healthy, and all of us should contribute with you know all our might towards a healthy nation. I think unless you're not healthy, you can't think of a healthy nation. So it's important. And in our everyday lives, when you do everything, we find time for that, what we do. And I think to do what you want to do and pursue in life, it's very important to stay fit. Because you know, it may just ostensibly seem that you are physically fit, but being physically fit leads to mental agility. That kind of helps you achieve anything, any goal, any destination in your life. So I've always been one for fitness, and it doesn't have anything to do with your age, or time, or your profession. Wherever you are, you must find time to be fit and be in the gym or run. As you were saying, like most of the people run, we run. Most of the people run away. So, you know, they're all very excited about gymming, about looking fit, but they won't put in all that effort. It's too much of an effort because, you know, beyond the point there is ennui and then there is boredom and then there is stagnation and people just give up. So, like, you give up on you know, a fit life, you have given up on life itself. So it's very important, very, very important for all of us to stay fit. So a very, very special thank you to all the people out here for this very special endeavor. I and especially my close friend Asif Bhamla, who's always been behind, and Ashish ji and all of them, and especially SBI and Radio Mirchi and all of them, Rajkumar. You know, I think that, you know, in time and again we need to come together to kind of reinforce what we believe in, to express ourselves that we are there, and that's why it's important to be here. And in moments like this, when you're not actually on the road running on the tarmac, etc., everything, but as I said, when you hold hands, when you are sitting next to each other, when you are professing a certain thing, it you mean business, and it means that you are serious about it. So thank you all of you once again for this very special ending. Ashish, you have run. Yeah, I've run. कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था. एक्चुअली आई लव हिम, और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं खुद सुनील को, जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था, तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं. एक मैं उनका वहां पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं. बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो. तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं. चीजें ऐसी कुछ हो गई, मुझे मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो, मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था. ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है. जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो, जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई. मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे. और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से, मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं.
तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई। मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ, तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहां पे कट पैकअप हो गया, अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था, तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई। सो मुझे, मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय, तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली। उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफ़ी डिले हो रहा, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला, तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे नुकसान फ़ायदा नहीं तब समझ में आता है, हम लोग बिजनेसमैन, हम लोग चले गए। जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, सब मेरे पास आती है। हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पर टैकल करना चाहिए। तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियाँ दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज़, क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे। तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया, उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया। और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था। मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो। मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव क्योंकि मुझे आदत है। ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए। उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला। मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले, मैं सॉरी बोलूं, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियां दे दी जो भी। फिर वो मुझे मिला ही नहीं। फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तब तक नहीं मुझे मिला, 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया। फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी। उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में। तो सुनील भी था, वो वर्ड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों। पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता, मुझे खाली इतनी, मुझे वो शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे, मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज़्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है। पर अगर मेरी जगह सुनील होता तो मैं एक बार जाके ज़रूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, तो शायद कुछ भी नहीं होता। पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम। अच्छा, मैं वैसे, मेरा अभी मेरे से सवाल किया नहीं गया, वैसे ये भी था राजीव भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख गया था, मैं उसी जगह पे बैठा होता, हमारी टीम के मेंबर पीछे बैठे हुए, बहुत लोग वहां पे थे, प्रेशर बहुत था मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली। और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ, और भी सवाल होंगे। आपने शाहरुख भाई को सेट से लौटाया है ना, बड़ी खबरें आती है, मैं बताता हूँ आपको, जो आप कुछ भी लिख देते ना कई लोग। अच्छा, एक आदमी कोई लिखता है, मुझे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कुछ बोला शायद, एक आदमी अगर कोई ऐसी न्यूज लिखता है ना सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, सूत्रों के अनुसार, और वो आगे दूसरे वाले भी वहां से उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने सर एक्चुअली जेन्युइनली, मैं जब लैंड किया ना, आया, मैंने एपिसोड शूट किया, वापस फिर यहां से राजस्थान की फ्लाइट ली जयपुर, जयपुर से 6 घंटे बाय रोड, मैं सोता नहीं था सारी सारी रात, इतने प्रेशर में काम कर रहा था। मैंने सारी न्यूज, जब मेरी फिल्म का वाइंड अप हो गया, मैंने 2 महीने बाद देखनी शुरू की, कम से कम 1000 न्यूज होंगी, किस कोई दिखा रहा है ये है कपिल के 2 दुश्मन शनिदेव और जैक डेनियल की बोतल, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। यार दुनिया में सब इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि अगर मेरा कोई पीआर नहीं, मैं आपको सच्ची में बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी कोई पीआर नहीं रखा, मुझे ये प्रोसेस ही नहीं पता था। ये पहली बार जब फिल्म की ना मैंने किस किस को प्यार करूं, तब इन्होंने कहा कि ऐसे पीआर टीम आएगी, तो मैंने कहा अब्बास भाई वो मतलब क्या हिसाब किताब होता है, कहते वो आपकी तरफ से ऐसे फिक्स करेंगे, मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। मैं कहा अच्छा, मैं खुद ही करता रहता हूँ, मुझे ना कभी कुछ सोशल नेटवर्किंग चलानी आती, एक ट्विटर आता है उसके भी पंगे पड़े रहते हैं, तो मैं हूँ थोड़ा इंपल्सिव, पर मैं जैसा हूँ अभी नहीं चेंज हो सकता ना मैं तो, पर हाँ दिल का मैं बड़ा साफ। मेरी बात बीच में थोड़ी रह गई, मैं बात कर रहा था कि हमारी टीम के मेंबर भी वहां पे कुछ थे पीछे बैठे हुए, मैं भी था उधर, वहां पे बहुत लोग थे। भरत भाई आप होते तो शायद झगड़ा नहीं होता, कल भाई सोते रह गए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ
भाई बहनों में आप भी सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों की लड़ाई होती होगी, दोस्तों की, माँ बहन, बेटा भाई सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो जूता मारना, ये बातें, ये इस बारे में किसी टीम ने, मुझे बड़ा दुख लगा, इतनी अच्छी टीम थी, इतनी फैमिली, किसी ने आके ये नहीं बोला कि ये गलत बात है, ये र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ ही Actually, नहीं। एक्चुअली ये इन चीजों को ज्यादा दुख लगता है कि आप बात किसी को रातों रात विलेन बना देते हो। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं क्या दूसरी फ्लाइट से कूदा था, उसी फ्लाइट में तो था मैं। तो ये सब मनगढ़ंत स्टोरियां जब बनाते हैं लोग, फिर बड़ा दुख लगता है, फिर लगता है कि यार ठीक है, पर अब क्या मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं वैसे कभी बात होती है तो कि जूते कपिल इतने महंगे पहनता है तो नहीं, उसमें पहने थे ने, उसमें जुराबे पहनी थी जो फ्लाइट वाले देते हैं, उन वाली। सॉरी, हाँ, अच्छी अच्छी बातें कर, मेरे बारे में दूसरी फिल्म भी दूंगा तुझे। किसी टीम मेंबर ने ऑन स्टेज टीम से, कपिल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसी ऑन स्टेज टीम मेंबर ने ये आके प्रेस के सामने नहीं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं सच्ची में बोलूं, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था तब। तो मैं एक्चुअली सच बताता हूं अपने बारे में, ठीक है हम लोग पीपू लेते हैं, पर मैंने फिल्म जब के लिए जब फिट होना था, मैंने बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था। और इवन सोनी की सक्सेस पार्टी थी, सोनी टीवी की, हमारे शो की एक्चुअली, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो भी हमारे बॉस, सब ने मुझे कहा कि ले लो। मैं कहा नहीं, मुझे वेट लूज करना है। 10-12 किलो वेट लूज किया, और सडनली 10-12 किलो चर्बी आप निकाल देते हो ना, उसके बाद दो ड्रिंक मार दो, वो चार जितना नशा कर दिया, तो काम उसने खराब किया। दूसरी एक और बात, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था उस इंसिडेंट के बाद। मैंने जब ये सारी न्यूज देखी कि क्या क्या मेरे बारे में बोला गया है, कहा गया है, किन लोगों ने कहा है मुझे नहीं पता, पर क्यों कहा है न्यूज। अब मुझे एक चीज और का भी दुख है, नेगेटिविटी एक्चुअली बिकती भी है, जो लोग का ये सच्चाई भी है, पर मैं लिटरली, मुझे एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे। मुझे प्यार है अपनी टीम से, मैं मिस करता हूं उन चेहरों को, मुझे जब नहीं दिखते सामने तो मुझे आदत है कि मैं एक किसी चीज से जुड़ाव हो जाता है, मैं अलग नहीं हो पाता हूं, अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता हूं। उसके बाद फिर मेरा ऐसा हुआ, जैसे लोगों ने बनाया कि शाहरुख सर को सेट से लुटाया। छोटी छोटी बातें मैं खुद ही बोलना चाहता हूं इससे पहले कि आप पूछें। शाहरुख भाई 7 बजे सेट पे आने वाले थे, मैं दोपहर को 2 बजे पहुंचा था, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। 7 बजे आने वाले थे और बगल वाले सेट पे शूट कर रहे थे। 8 बजे मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा। मैं सारे अपने बारे में खबरें पढ़ चुका था, एक शूट कैंसिल, 2 शूट कैंसिल, 3, 4। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग खबरें फैला देते हैं, जैसे अनिल कपूर सर आए थे तो उनको लगा कि नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा, ठीक है। सपोर्ट भी बहुत किया, शाहरुख भाई दोबारा मुझे मिलने आए, ऐसे मुझे मेरे बारे में बोल दिया गया कि उसको नाराज लौटाया, वो दोबारा मुझे मिलने आए अगले दिन, जब नेक्स्ट डे मैं उसके बाद नेक्स्ट शूट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तू रेस्ट लेनी है, रेस्ट ले, तुम ना थोड़ा माइंड सेट कर। मैंने सोचा कि मुझे रेस्ट चाहिए शायद, मैंने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं बैंगलोर चला गया, बैंगलोर जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किया कि मैं वो करते हैं पहली बार, मैंने पहली बार किया। उसके बाद वापस आया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बहुत पीना शुरू कर दिया मैंने। क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, मैं मुझे हैंडल नहीं करनी आती कई चीज़ें, बिकॉज हर आदमी में हर कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि अभी 3 महीने मुझे और रिकवरी में जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपसेट भी था। मेरा दिल भी नहीं करता था, एक्चुअली मेरा दिल नहीं करता था कि मैं आके बात करूं या ट्विटर पे किसी को रिप्लाई कर दूं। फिर एक बार, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब बदल दी जाती हैं, बड़ा दुख लगता है। किसी ने मुझे पूछा कि आपने सुनील के साथ लड़ाई की थी, मैंने कहा हाँ, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं डांट रहा हूँ अगर किसी को, अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। फ्लाइट में हम लोग, वो भी शायद पूछ लेता तो मैं शायद उसके साथ शेयर कर लेता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। उसने भी चिल्ला दिया मेरे ऊपर, ठीक है, वो कंसर्न था मेरे लिए, पर मैं इतना अपसेट हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। सो अभी भी रिकवरी में मुझे 2-3 महीने लगेंगे, पर हाँ, फाइनली ये मेरी फिल्म जब बन गई, कंप्लीट हो गई, तो ये लोग रोज़ मुझे आते थे मिलने मेरे ऑफिस में। मैंने अपने आप को लॉक किया हुआ था, कहते उठ तूने मर्डर नहीं किया, उठ बाहर चलते हैं। मुझे ऐसे लगने लगा सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे तो हमेशा आदत है कि सबसे मिलना ऐसे ही है, पर हाँ, व्हाटएवर। ये कपिल के दिल की इनोसेंस है, और कोई दिल का हाल इतना बयान कर दिया कि शायद कोई भी बहुत मैनिपुलेटिव आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता। आई थिंक
जैसे दिल का हाल वो बोल दिया, मैं ये पी लिया वो पी लिया, नहीं तो आदमी बोलता नहीं नो नो तो मेरी पीआर क्यों नहीं संभालता